चलिए इसके साथ उत्तर एक और बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें कि आज राज्यसभा में हो सकता है बिल पेश। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल आज पेश हो सकता है राज्यसभा में। कल लोकसभा में पास हुआ था बिल, तो कल लोकसभा में पास हुआ था बिल, आज राज्यसभा में हो सकता है बिल पेश। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल हो सकता है पेश। तो आज राज्यसभा में हो सकता है बिल पेश। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल आज पेश किया जा सकता है। कल लोकसभा में पास हुआ था बिल। चलिए इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल पेश हो सकता है। बिल्कुल ईरम, मैं बता दूं, कल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री बीरेन कुमार ने यह विधेयक पेश किया था, संविधान 127वां संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसे सरकार से टकराव के बीच भी विपक्ष ने अपनी सहमति दी। वहीं आज ऐसा माना जा रहा है कि राज्यसभा में इसे पेश किया जा सकता है। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि यह ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित में जुड़ा हुआ है यह विधेयक बिल, तो इसको विपक्ष भी सहमति देगी और इसको समर्थन करेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन यह पिछड़े वर्ग के हित के लिए विधेयक है जिसका समर्थन विपक्ष भी करेगी, और माना जा रहा है ऐसा कि इसको राज्यसभा में आज विपक्ष की सहमति के साथ इसे पास किया जा सकता है। ईरम, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जो आज राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल पेश हो सकता है, कल लोकसभा में पास हुआ था बिल। तो राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल पेश हो सकता है, कल लोकसभा में पास हुआ था बिल।